इस बार फाइनेंशियल बजट एलोकेशन में हेल्थ केयर को 83,000 करोड़ एलोकेट हुए हैं। आपका इन आंकड़ों के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने हेल्थ केयर पे ध्यान दिया है, और मुझे लगता है अभी इससे ज़्यादा बजट की ज़रूरत है क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत योजना की वजह से काफ़ी लोग कवर्ड हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने, खास करके इस कोविड के बाद, सबको समझ आ गया कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ, बिना हेल्थ के कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये जो बजट है ये काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। मैं उनकी तारीफ करती हूँ, अपनी गवर्नमेंट की, और मुझे लगता है कि अगले बजट में हमें इससे भी ज़्यादा बजट एलोकेट होगा ताकि हम जो हमारे दूर दराज गाँव में लोग हैं, अगर हम हब एंड स्पोक मॉडल से भी उन्हें कवर करते हैं, या अगर हम ये कहते हैं कि हमारी CSC PSC सभी कवर हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन हो, हमारी मैन पावर और ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए जितना भी बजट हमें और मिलेगा तो मैं उसका उसके लिए सराहना करूँगी। लेकिन फिर भी पहली बार किसी ने सोचा कि हाँ, हेल्थ केयर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैम, अभी जैसा आपने कहा, गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। यूनियन कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1600 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। ये प्रोजेक्ट देश के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा? ये तो एक ऐसी योजना है जिसे हम कह सकते हैं गेम चेंजर ऑफ हेल्थ केयर। भारत में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना के तहत, कहना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाभान्वित नहीं था। फिर हमारे यहाँ कुछ योजनाएं हैं जैसे CGHS है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है, या कुछ लोगों ने TPA कराना शुरू किया, लेकिन अभी भी हमारी बहुत सी जनता ऐसी है जो किसी भी योजना के अंदर नहीं आती थी। इस आयुष्मान भारत योजना ने इतना बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान की जनता के जीवन में लाया है कि मेरा कहना है इससे सराहनीय कोई कार्य नहीं हो सकता था, और इससे बड़ी कोई योजना पूरे विश्व में भी नहीं है। बिकॉज 40% लोग कवर हो गए हैं इसके अंदर, 50 करोड़ लोग इस आयुष्मान योजना के अंडर आते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बीमारियां लोग छोटी सी बीमारी से ही अगर अपना इलाज करा लेंगे तो उन्हें टर्शरी केयर तक नहीं जाना पड़ेगा। अभी क्या होता था कि अगर, चूँकि वो किसी भी योजना के अंदर नहीं है, तो वो जाते ही नहीं थे, वो स्वयं खुद ही अपनी कहीं से दवाइयाँ लेके, कभी किसी केमिस्ट से ले लेते थे या कभी किसी जानने वाले से लेकर खाते थे, और डॉक्टर के पास तक नहीं जाते थे ये सोच कर कि पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि ये गरीब आदमी, जिसको एक मजदूर है या जो एक रिक्शा वाला है या एक ऐसा आदमी जो BPL कैटेगरी में आ रहा है, अगर वो शुरू में ही अपना इलाज करा लेगा तो वो गंभीर नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो मेन हेल्थ केयर, टर्शरी केयर सिस्टम जो चरमरा जाता था इतना सारा बर्डन होने से, उसको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जब लोगों को लगेगा कि ये योजना उनके लिए है, लोग टाइम से अस्पताल जाएंगे, तो पूरा भारत स्वस्थ रहेगा, जो बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ भारत ही विकास की तरफ जा सकता है। जब जनता स्वस्थ होगी तभी वो कुछ इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो हर तरीके से ये योजना भारत के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, और वो एक बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये गिफ्ट है, जो बेहतरीन गिफ्ट है हिंदुस्तान के लिए। द पैंडेमिक हैज एक्सेंचुएटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पीपल ऑफ ऑल एजेस। टू बेटर द एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज, अ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। सीतारमन जी ने 24/7 मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग अनाउंस करी है। कोविड के बाद मेंटल हेल्थ पेशेंट्स की स्थिति को समझा गया। आपके अनुसार इस हेल्थ डोमेन में और क्या बदलाव आ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा, टेलीमेडिसिन को मान्यता मिल गई कि अगर आप पेशेंट चाहे, अगर नहीं आना चाहता है तो, खास करके अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, अभी भी एक टैबू है, पता नहीं क्यों, मैं तो इसको बिल्कुल टैबू नहीं मानती। जिस तरह की आपकी शारीरिक बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से आपके मन में भी कोई बीमारी हो सकती है, तो आपको खुलकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए।
इस इंटरव्यू को देखने वाले सभी लोगों से मेरी ये एक गुजारिश है कि कभी भी मेंटल हेल्थ को लेके शर्माएं नहीं। ऐसा इस मेरा मानना है, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी मेंटल हेल्थ का से परेशान ना हुआ हो, लेकिन जिन्होंने आगे बढ़कर मदद ली उनको वो हमेशा के लिए ठीक हो गए, और जिन्होंने अपने आप को हमेशा लोगों से दूर रखा, डॉक्टर से दूर रखा, तो उनको प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और टेलीमेडिसिन, चूँकि अब हमारे सीतारमन जी ने मेंटल हेल्थ को माना, समझाया कि भाई आप आगे आइए, और टेलीमेडिसिन को उन्होंने मान्यता दी, उससे क्या होगा कि अगर आप नहीं भी अस्पताल विजिट करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, आप डॉक्टर से बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मन में दबी हुई होती हैं, अगर आप उनको अपने डॉक्टर से साझा कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक तो राहत आपको उससे ही मिल जाती है, क्योंकि थेरेपी बहुत अच्छे से वर्क करती है खास करके मेंटल हेल्थ में। और साथ ही अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो थोड़े दिनों बाद आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये एक सराहनीय कदम है, और मेरा मानना है कि कोविड के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, मानसिक रूप से काफ़ी लोग परेशान रहे क्योंकि वो घर में बंद रहे, काम पे बाहर नहीं गए, मिलना जुलना सोशल, क्योंकि इंडिया जो इंडियन लोग हैं वो मिलने जुलने में बहुत यकीन रखते हैं, तो अकेलेपन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को चूंकि अब स्वीकारा गया है तो मुझे लगता है समाज को भी इसे स्वीकारना चाहिए, और अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो हमारे और आपकी तरह ही एक सामान्य इंसान है। केंद्र सरकार ने हील इन इंडिया कैंपेन की घोषणा की है, इसमें फॉरेनर्स के लिए हेल्थ केयर ट्रीटमेंट पैकेजेस के प्राइस को स्टैंडर्डाइज करने की बात करी जा रही है, आपका इस योजना के बारे में क्या सोचना है? अंशिका, मैं सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हेल्थ केयर की चेयरपर्सन हूँ, तो मेडिकल टूरिज्म मेरे अंडर ही आता है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं बल्कि हमारे जो अल्टरनेट मेडिसिन है जैसे आयुर्वेदा हो गई, या आप देखें ये योगा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सिर्फ बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो जब भारत कोई आता है, एक तो बेस्ट डॉक्टर्स पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या वो लंदन हो, दोनों जगह जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं। तो हिंदुस्तान में जब कोई इलाज के लिए आता है तो जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो फुल्ली इक्विप्ड हैं विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सेम टाइम बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हेल्प, एवरीथिंग इज़ देयर, एंड अफोर्डेबल प्राइस। तो हम लोग प्राइस इतना अच्छा ऑफर करते हैं कि मेडिकल टूरिज्म तो हमारे लिए, आप ये मान के चलिए अभी भी बहुत मेडिकल टूरिज्म है, और जब स्टैंडर्डाइज प्राइस हो जाएंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉरनर्स, बिकॉज वो फिर चीटेड नहीं होंगे थ्रू सम गून्स कि भाई बीच में कोई आ गया और उसने उनको कुछ भी प्राइस बताया, वो एक हट जाएगा, तो हिंदुस्तान की एक इमेज बहुत अच्छी होगी और लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा हिंदुस्तान आने पर मिलेगी, जिसमें वो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं, वो चाहें तो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, ध्यान कुछ भी कर सकते हैं।